खबर आजमगढ़ जनपद से है, जहां नगर पालिका की समस्याएं किसी से छूटी नहीं है। इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। वहीं उन्होंने अभी कहा कि दावेदारी करना लोकतंत्र का अधिकार है, संगठन के फैसले पर अटल रहूंगा और संगठन से यही अपील है कि हमारे पर विश्वास करें। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जनता जिसे चाहती है उसे अपना नेता बनाती है। वहीं उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के अनुसार हमारे जो प्रतिदिन के खर्चे हैं, खर्चे हमारे वही रहेंगे। आजमगढ़ नगर पालिका की 25 वार्डों की जनता हमें पसंद कर रही है, निश्चित तौर पर जीत संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्य क्षेत्र नगर पालिका की समस्याएं, चाहे वह रोड की हो, चाहे नाली की समस्या हो या अन्य जो भी शहर की गंदगी संबंधित समस्याएं, उसे पूर्ण करने का कार्य करेंगे, जिसको लेकर पालिका चुनाव के जीत का दावा भी किया है। अन्य लोगों से बेहतर कार्य करेंगे, इस बात से संगठन सहित जनपद की जनता का विश्वास रहेगा। और उन्होंने कहा कि नगर पालिका के 25 वार्डों के लोग हम पर भरोसा व विश्वास करते हैं, मैं उनके विश्वास और भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मतदाता कुल कितने होंगे? मतदाता का तो लिस्ट मेरे पास आकर रखी हुई है, वार्ड करीब 25 से 26 वार्ड, हाँ, और वोट करीब 1 लाख के आसपास है। ये चुनाव है, इस चुनाव में लोगों का कहना है कि खर्चा बहुत है, आप कितना खर्चा कर रहे हैं और चुनाव आयोग के अनुसार आपका क्या खर्च होगा? देखिए, मेरा खर्चा तो जो रोज़मर्रा का था वही है। मैं पहले अपने कारोबार में दौड़ता था, आज वो दौड़ धूप ना करके मैं अपनी नगर निकाय के आम जनमानस से मिलने जुलने में करता हूँ। तेल भरा लेता हूँ गाड़ी में, चलता रहता हूँ, चाय मुझे लोग ही पिलाते हैं। अब यकीन माने कि जब से ये चुनाव शुरू हुआ है, जब से मैं दौरा शुरू किया हूँ अपना, अगर आप यकीन कर सकें तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि मैंने अपने घर पे अब तक खाना नहीं खाया, लोगों ने मुझे खिलाया, लोगों ने मुझे पिलाया, सिर्फ मेरे हौसले को इजाफा देने के लिए। और किसी बात से मुझे मेरे दिल को ये बात साबित हो रही है कि लोग चाह रहे हैं कि मैं इसमें और बढ़ चढ़ के और मजबूती से अपनी प्रेजेंटेशन दूँ और आगे बढ़ूँ। आपने अभी तक कई वार्डों में घूमा होगा? हाँ, बहुत सारे। और क्या कमियां रही आपके कार्य क्षेत्र में, क्या ऐसा कार्य है कि जो आप आएंगे और पूरा करेंगे? सबसे पहले तो देखिए, सबसे जो फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने देना मुनासिब समझा है वो ये है कि प्रति एक सोसाइटी जो हमारे कार्य क्षेत्र नगर पालिका में आता है, उसकी नाले की दुरुस्तीकरण और कोई भी रोड ऊबड़ खाबड़ ना रहे, सबसे पहली ये। दूसरा क्या बोलते हैं उसको, जो रोड पे डंपिंग स्टेशंस जो बिखरे पड़े, जिससे कि आम शहरी अपने घर से निकल के जाता है, दुर्गंध से जो उनका जीवन प्रभावित होता है और वो फिर वापस अपने घर में आते हैं ये गंध लेकर। इस चीज़ को मैं जितनी पॉसिबिलिटी हो सकी उसको सॉल्व करने का काम जरूर करूँगा। आप काफ़ी दिनों से राजनीति में रहे हैं, आप कोई अपने राजनीति के करियर का एक ऐसा कार्य होता है जिसमें जनता की समस्याओं को लेकर के आप आंदोलित हुए हों और आपके साथ जनता खड़ी रही? कुछ इस तरीके की कोई ऐसी बातें नहीं है। तैयारी में लगे हुए हैं, आपकी प्राथमिकताएँ क्या हैं और किस तरीके से आप इस चुनाव को जीत हासिल कर रहे हैं? सबसे पहले तो नगर पालिका की आवाम सभी जनता को मैं सरफराज आलम उर्फ मंसूर अपना आदाब और नमस्ते पेश करता हूँ। प्राथमिकताएं मैं सोचता हूँ तो यकीनन मैं ये समझता हूँ कि कहाँ से शुरू की जाए और कहाँ से ख़त्म की जाए। तो प्राथमिकताएं तो हर एक चीज़ की है, समझ लीजिए, जो भी बुनियादी ज़रूरतें हैं पूरी नगर पालिका के, आम जनजीवन जिस तरीके से प्रभावित है आप देख रहे हैं, हमारी सड़कें, नाले, साफ सफाई और जितने बाग बगीचे दरीचे जो भी हैं, डंपिंग स्टेशन, आप देखें कि पास्त्र में किसी से कुछ काम हुआ नहीं और हालात बस से बदतरीन हैं।
आम जिंदगियां इस तरीके से प्रभावित हैं, शहर की अव्यवस्था जो फैली हुई है, तो ये तो किसी भी इंसान से मुझे नहीं लगता है कि अछूती है, सब लोग इससे अवगत हैं। मैं भी, आप सभी लोग इसी शहर में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको किसी को बढ़ चढ़ के वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मैं अपने आप को पा रहा हूँ कि इस काम को जिस स्तर पे सुधार व्यवस्था किसी ने नहीं किया, मुझे लगता है कि मैं ये कर लूँगा, लगता ही नहीं मैं करूँगा ही करूँगा। बाकी ठीक है, जनता का अगर सपोर्ट मिलेगा क्या लगता है आसान होगा। क्या लगता है आपको इस चुनाव में आपका प्रतिद्वंदी कौन होगा? प्रतिद्वंदी तो देखिए सबकी ये प्रतिस्पर्धा है, ये चुनाव है, लोग सभी लोग अपनी एफर्ट लगाएंगे, मगर मेरी एफर्ट ये है कि मैं अपने आप को किस तरह से साबित करूं कि लोगों को ये बात, लोगों के दिलो दिमाग तक ये पहुंचे मेरी जो प्रेजेंटेशन है। और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को लेके। आवाम, मैं जहां भी जाता हूं, जिससे भी मिलता हूं, या तो वो जान रहा होता है या किसी के माध्यम से जान गया हो या मुझे व्यक्तिगत जानता हो, तो उसकी तरह जब मैं देखता हूं तो मुझे यहां की आवाम की नज़रों में मेरे प्रति बहुत एतबार दिखाई देता है। और डे बाय डे मेरे हौसले में बड़ा इजाफा। आपको उम्मीदवार बनाने का प्रयास में लगी हुई है, लेकिन यदि आपको टिकट नहीं मिला तो ऐसे में आपका जो प्रयास है, जो परिश्रम है, ये कहाँ से किस तरीके से आप इसको उम्मीद करते हैं? देखें, सभी लोगों की अपनी एक अपीयरेंस होती है, और टिकट मांगना आपका एक लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं संगठन से जुड़ा हुआ शख्स हूँ, ये संगठन का फैसला होगा कि किस उम्मीदवार को वो प्रेफरेंस देती है। बाकी चुनाव लड़ना लड़वाना ये संगठन का काम है, ये मेरी जाति सोच है कि मैं अपने संगठन से निवेदन करूं कि मुझ में विश्वास दिखाया जाए, बाकी ये तय करना उनका काम है। यदि हम चुनाव की बात करें तो चुनाव की दृष्टि से आपको देखकर क्या लग रहा है, क्या लगता है कि ये जीत मिलेगी? टिकट से संबंधित, हाँ, मुझे संपूर्ण विश्वास है मेरे संगठन के जो बहुत जिम्मेदार लोग हैं, जो मरते जीते हैं, जो चुनाव लड़ते लड़ाते हैं, कहीं न कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि बिना किसी लोर लपेट के मेरे प्रति विश्वास लोगों का जगा है कि मैं इस चुनाव को बेहतर लड़ सकता हूँ। और अगर सफलता प्राप्त होती है तो मैं और किसी से भी बहुत बेहतर काम कर सकता हूँ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ये मेरी आत्मा की बात है कि मैं कितना निष्पक्ष हूँ, कितना नहीं हूँ, मेरे संगठन के लोग इस बात से अवगत हैं, और मेरे शहर की जो आवाम है, जो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं, ये मेरा दावा है कि वो कभी भी मेरी इस भावना को डिनाई नहीं कर सकते कि मैं कितना निष्पक्ष हूँ।